तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को अभी तक भी पता नहीं लगा है तो यहां पर मैं आप लोगों को बताने आया हूं कि जी नेटवर्क अपना एक और नया हिंदी फिल्मों का चैनल लॉन्च करने जा रहा है और ये डीडी फ्रिश व्यूवर्स के लिए ही रहने वाला है। जी हाँ, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, ये सारी अपडेट सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने जा रही है। वैसे इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने मेन चैनल बेयोनिक टॉक्स पर भी दे चुका हूँ भाई। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, अगर देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन दोबारा से मिलने जा रही है भाई। और ये फ्री टू एयर रहेगा भाई चैनल, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अपडेट्स लेते रहने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बताने आया हूँ भाई, जी नेटवर्क जैसे कि आप लोगों को पता है, बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर ने अपने पेड चैनल्स के दो दो फिल्मों के चैनल लॉन्च कर रखे हैं। लाइक स्टार गोल्ड है तो स्टार गोल्ड 2 भी है जो कि पेड चैनल ही है। ऐसे ही सोनी मैक्स है तो सोनी मैक्स 2 भी है, वो भी एक पेड चैनल है। लेकिन जी सिनेमा ने अब तक जी सिनेमा 2 अपना कोई पेड चैनल लॉन्च नहीं किया है। बाकी अगर जी सिनेमा 2 लॉन्च होता है तो मुझे लगता है वो अपना एंड पिक्चर को ही रिब्रांड कर सकते हैं, जैसे कि स्टार नेटवर्क ने कर रखा है, भी अपना स्टार गोल्ड 2 में चेंज कर रखा है, वो भी किसी चैनल को रिब्रांड करके, मूवीज़ को रिब्रांड करके स्टार गोल्ड 2 बनाया गया था। तो ऐसे ही अगर जी नेटवर्क अपना एंड ब्रांड, एंड टीवी और एंड पिक्चर्स जैसे चैनल बंद करना चाहते हैं तो उनको रिब्रांड कर सकते हैं, जी के नाम से ही जी सिनेमा 2 उसको बना सकते हैं, एंड पिक्चर्स को और एंड टीवी को भी खत्म कर सकते हैं, उसको भी कोई और नाम दे सकते हैं। बाकी अब बात आती है यहाँ पर डीडी फ्रिश व्यूवर्स के लिए लॉन्च होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जी सिनेमा 2 तो नहीं, जी अनमोल सिनेमा जो कि आप लोगों को डीडी फ्रिश पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो इन्होंने ट्रेडमार्क लिया है वो जी अनमोल सिनेमा 2 का लिया है। और डीडी फ्रिश पर देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो जी नेटवर्क के चैनल देखने को मिलते हैं जी अनमोल सिनेमा के बाद, बिग मैजिक है। बिग मैजिक की तो चलिए फिलहाल मैं बात नहीं करूँगा, जिंग चैनल है, उसके बाद है जी गंगा चैनल, तीन चैनल देखने को मिल रहे हैं भाई। वैसे जी बायोस्कोप भी है, भोजपुरी फिल्मों का चैनल है। बाकी मुझे लगता है इन्हीं चैनल्स में से जी अनमोल सिनेमा 2 को रिब्रांड किया जाएगा। अभी लगभग पिछले काफ़ी दिनों से आप लोग देख रहे होंगे जी गंगा चैनल जो है कम्प्लीटली एक तरह से बंद हो चुका है, जहां पर आपको भोजपुरी एंटरटेनमेंट चैनल के रूप में ये लॉन्च किया गया था, अभी वहां पर सिर्फ साउथ की हिंदी फिल्में देखने को मिल रही हैं। और एक और इनका हिंदी फिल्मों का चैनल जिंक चैनल है, जहां पर भी 3-4 फिल्में पूरे दिन में दिखाई जाती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में यही बताया था कि यहां पर जिंक चैनल रीब्रांड हो सकता है, लेकिन उसके रिगार्डिंग मैंने कमेंट भी लिए थे आप लोगों के कि आखिर इसके अलावा कौन सा वो चैनल है जिसको रीब्रांड कर सकता है, तो जी गंगा के नाम से भी काफ़ी कमेंट्स आए हैं। तो भाई हाँ, जी गंगा भी रीब्रांड हो सकता है और इसके भी आप हायर चांस लग रहे हैं, क्योंकि जी गंगा उस टाइम मेरे माइंड में नहीं था, मैं उस टाइम जिंग की मूवीज़ को ही लेकर चल रहा था, मैं भूल गया कि जी गंगा ने भी मूवीज़ दिखाना शुरू कर दिया है भाई। तो जी गंगा अभी मुझे लगता है कि टेम्परेरी सा चला हुआ है और यहाँ पर कभी कभार भोजपुरी फिल्में तो कभी कभार हिंदी साउथ की फिल्में दिखा दी जाती हैं। अगर इनके भोजपुरी चैनल की बात करूं तो इनका भोजपुरी जो चैनल है वो जी बायोस्कोप है, मतलब जी गंगा वो अपना दूसरा भोजपुरी फिल्मों का चैनल नहीं रखना चाहेंगे। अगर वो रखना भी चाहेंगे तो यहाँ पर जो साउथ की मूवीज़ हैं उनको भोजपुरी में दिखा सकते हैं, वरना जो भोजपुरी ओरिजिनल मूवीज़ हैं वो जी बायोस्कोप टेलीकास्ट कर ही रखा है, तो दो दो भोजपुरी फिल्मों के चैनल क्यों रखेगा भाई। तो यहाँ पर जिंग के बाद जो मुझे लगता है कि शायद जी गंगा चैनल भी रीब्रांड हो सकता है, क्योंकि जी गंगा मुझे लग रहा है अब तरह एक तरह से टेस्टिंग के रूप में चल रहा है, ना ही कोई वहां पर इतना प्रोमो दिखाया जाता है, और मतलब एक तरह से जो फीलिंग आनी चाहिए चैनल को देखते हुए वो नहीं आ रही है जी गंगा देखते हुए। तो मुझे लगता है कि शायद ये जी अनमोल सिनेमा 2 में कन्वर्ट हो सकता है भाई। जी हाँ, हो सकता है। बाकी बिग मैजिक को लेकर भी आ रहे थे, अगर बिग मैजिक देखिए भाई, इन्होंने अगर बिग मैजिक ब्रांड खत्म करना है तब जाकर यह हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनको अपना एक एंटरटेनमेंट चैनल तो जी अनमोल के बाद रखना ही होगा। जी अनमोल के बाद इनको बिग मैजिक ही है, बाकी हो भी सकता है, कुछ नहीं कह सकते भाई, बिग मैजिक क्या करें, लेकिन यहाँ पर सीरियल चले हुए हैं, एनिमेशन शो चले हुए हैं। लेकिन अगर मूवीज़ की बात करें तो मूवीज़ या तो जिंग दिखा रहा है या जी गंगा दिखा रहा है भाई, ठीक है। बिग मैजिक के मैं कहना चाहूँगा 40-50% चांस लगा सकते हैं, बाकी जो 90% या 90-100% जो चांस है वो जी गंगा के हाईर चांस लग रहे हैं मुझे अब, ठीक है, जी गंगा के हाईर चांस लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर टेलीकास्टिंग हो रही है वो प्रॉपरली तरीके से नहीं हो रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में एक प्रॉपर चैनल जी अनमोल सिनेमा 2 वहाँ पर ही रिब्रांड कर दिया जाए। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।